गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पांडे ब्लॉक्स पे। तो अभी हम लोग आरा स्टेशन पे आ चुके हैं और क्यों आए हैं आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ से हम लोग हार्ट ऑफ बिहार यानी कि बिहार की राजधानी पटना के लिए निकलेंगे और वहाँ पे क्या क्या होगा, बहुत धमाल होगा, कुछ काम है, कुछ बहुत ज़रूरी काम के लिए आदमी जा रहा है। तो जैसे जैसे होगा रास्ते में आपको पता चलेगा धीरे धीरे, वीडियो में बने रहिएगा। ये है हम लोग का आरा जंक्शन जो कि अभी बन रहा है, जब बनेगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। पूरा देख सकते हैं पीछे हनुमान मंदिर, हनुमान जी का और दुर्गा जी का मंदिर है। अभी हम पहुंच गए हैं पटना जंक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारा पटना जंक्शन है और ये पीछे हनुमान मंदिर है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग पटना है और हनुमान मंदिर सुबह सुबह नहीं गए हैं, लॉकडाउन की वजह से बंद है। नहीं तो यहाँ खुला रहता तो ज़रूर जाते हैं, अभी तो बंद है। और ज़रूरी काम ये था जो हमने आप लोगों से बताया था कि मेरा एग्ज़ाम है, एयरफोर्स वाला एग्ज़ाम है। आज मेरा पहला ही दिन पहला सीटिंग में पड़ा है, तो अभी जाना है वहाँ पे, राजीव नगर करके जाना है वहाँ पे। तो हम लोग पहले सेंटर पे जाएंगे और बाद में आपको एग्ज़ाम उग्ज़ाम हो जाएगा, लास्ट में जब हम लोग रूम पे पहुँचेंगे तो आपको बताएँगे कुछ बातें। अभी जितना दिन, अभी पूरा दिन देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं, जुड़े रहिएगा। तो अभी हम निकलते हैं अपने सेंटर के लिए। हमारा पटना जंक्शन है, बहुत ही खूबसूरत है जो देख रहे हैं पीछे। ये इतना पहले स्पेस नहीं हुआ करता था, यहाँ पे पहले दूध वाला का मार्केट वर्केट था, बंद हो गया है। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं। अब यहाँ से बस पकड़ेंगे, तो अभी हम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा एडमिट कार्ड तैयार है और यहाँ पे पीछे लड़कों की भीड़ देख सकते हैं आप। यहीं सामने सेंटर है, लाइन में लगा हुआ है, बाकी सब लोग भी बैठे हुए हैं। तो जितना जल्दी हो सकेगा, मतलब एग्ज़ाम इंट्री होगा, इंट्री के बाद चेकिंग वगैरह के बाद एग्ज़ाम होता है। तभी हमारा एग्ज़ाम हो गया है, दोपहर के बज रहे हैं करीब 11:30 और अभी राजीव नगर में ही हम लोग थे। तो अभी यहाँ पे एक हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत का घर है राजीव नगर में ही, तो वहीं पे अभी हम लोग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे अभी हम उनके घर के बगल में ही हैं। ये जो हमारे पीछे बाउंड्री दिख रही है, ये यहाँ पे इनका फ़ोटो भी लगा हुआ है। और अभी कोई है यहाँ पे अंदर में है लोग, यही घर है उनका, यहाँ पे फ़ोटो लग रहा है। बहुत ही अजीब सी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, बजरंगबली का भी फ़ोटो लगा हुआ है साथ में। और काफ़ी गली के अंदर है, आते आते अंदर में शायद इनके पिताजी होंगे, खुल्ला उल्ला है यहीं पे। तो हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे तो काफ़ी चलना पड़ा, करीब आधे घंटे फिर यहाँ पे पहुँचे। एग्ज़ाम होने के बाद यही वो रूम है जहाँ पे हम लोग रुकेंगे आज, और आज हो सकता है पटना में कुछ। यहाँ पे हम लोग का फ़ोन, पर्स और यही रूम लिए हैं हम लोग, सस्ता में काफ़ी अच्छा मिल गया है। और यहाँ पे यश जी अपना मुँह छुपा रहे हैं, पता नहीं क्यों, दिखाने लायक है फिर भी दिखा नहीं रहे हैं या दिखाना चाह नहीं रहे हैं। यह बैग हो गया, यही पूरा रूम है। और आगे ये बेलकोनी, बेलकोनी से बहुत ही अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि देख सकते हैं। यही है, हम लोग आज यहीं पे स्टे करेंगे, यहीं पे रुकेंगे, यही हम लोग का रूम है। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, अगल बगल अपार्टमेंट ही हैं, तो इसी में यही मिलते हैं, बने रहिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांधी मैदान,
और सामने आप देख सकते हैं पटना का सबसे बड़ा बिल्डिंग विश्वकर्मा भवन, जिसको जो 20 मंजिला इमारत है, 20 मंजिल है इस पे, और सबसे ऊपर ट्री कलर केसरिया सफ़ेदहरा का रंग है। और ये पटना के साथ पूरे बिहार का सबसे बड़ा बिल्डिंग है क्या सर? हाँ सर, यस सर, सबसे बड़ा बिहार का सबसे बड़ा कह सकते हैं बिल्डिंग, इससे ऊंचा आपको बिहार में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अभी हम लोग NIT के लिए निकलेंगे क्योंकि ग्राउंड बंद है। शहीद कारगिल स्मृति पार्क, रक्षा करते करते बिहार के जो आहुति दिए थे उनकी याद में एक कारगिल चौक की स्थापना किया गया था, एकदम गांधी मैदान के साइड में। ये वाला रोड आपका चला जाएगा महेंद्रू NIT, ये सब जंक्शन, और ये इधर भी जंक्शन ही जाएगा। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये पानी का फुहारा आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से गिरता है, यहाँ से बीच में और एक उधर उस साइड में है, तीन साइड से है। अभी तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत। और हम लोग यहाँ NIT पहुँच चुके हैं और देख रहे हैं काफ़ी लोग वहाँ से आ जा रहे हैं, बहुत काफ़ी भीड़ होती है शाम को, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। तो लोग यहाँ पे आते जाते हैं, जितने भी स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज़ जो भी होते हैं अपना टाइम व्यतीत करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को अभी आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम और हमारे मित्र यश श्रीवास्तव जी जा रहे हैं वहाँ पे, और हम लोग भी ये प्रकृति की खूबसूरती की मुआयना करना चाहेंगे, तो वहाँ पे मिलते हैं पहुँच कर। तो अभी हम लोग NIT गेट पे पहुँच चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग शाम को अपना आते हैं, टाइम व्यतीत करते हैं, और हम भी पहली बार यहाँ पे आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वगैरह भी रहते हैं इधर, हम चाहेंगे देखाएँ कि यहाँ पे कुछ कोई अपना मतलब किसी के साथ उदंडता ना हो, किसी के साथ गलत हरकत ना हो। और यहाँ पे जो सामने ये ब्रिज आप लोग देख रहे हैं, ये मरीन ड्राइव बिहार सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हमारे बिहार के लिए कि मरीन ड्राइव यहाँ पे गंगा नदी पे बनाया जा रहा है। और नीचे आप जो देख रहे हैं गंगा नदी है, जो कि एक पवित्र नदियों में से एक नदी है हमारे गंगा माँ, जिसको हम लोग बोलते हैं, पूजा करते हैं हम लोग जिनकी। तो यहाँ पे आए हैं, काफ़ी खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, और बहुत काफ़ी लोग, इतना हम लोग को पता नहीं था कि इतना लोग आते हैं, और बहुत लोग यहाँ पे आए हैं। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे आए तो नहा तो सकते नहीं है, क्योंकि पानी का जलस्तर गंगा जी का बहुत ज़्यादा है, तो पानी ही छिड़क लेंगे। तो आइए आगे आइए। तो अभी हम लोग फाइनली रूम पे जा रहे हैं और अपना खाना पीना जो था वो ले लिए हैं, और इस ब्लॉग को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे पटना पार्ट 1 का। और एक बात आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जब हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर पे गए थे तो एक अजीब प्रकार का वाइब्स, पता नहीं अब उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, अजीब टाइप की फीलिंग लग रही थी, आगे अंधेरा, इसीलिए यहीं पे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो वही आप लोग शेयर करना चाह रहे थे हम कि मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी उस समय, मतलब ना कुछ बोलने का मन कर रहा था, इसीलिए हमने वीडियो वहाँ पे जल्दी से ख़त्म कर दिया, बनाया भी नहीं, ज़्यादा बोला भी नहीं। तो अजीब सी फीलिंग्स थी वहाँ जाने के बाद, और अंदर उनके पिताजी भी थे, गेट वेट खुला था, तो वहाँ से हम लोग जल्दी से निकले, मतलब फ़ोटो वहाँ पे लगा था तो बजरंगबली भी थे और लिखा था जस्टिस फॉर SSR। तो मतलब एक अजीब सा, मतलब अब बता नहीं सकते आप लोगों को। और वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ये पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास हम लोग हैं, यहीं पे सामने आगे हम लोग का रूम है। तो हम लोग खाना उना खा के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से ब्लॉग वगैरह बन पाते हैं, क्योंकि
बाद में कभी बात करेंगे इसके बारे में। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक और अपना प्यार बनाए रखिए। गुड नाइट।